सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। गांधी पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पीएम मोदी ने संभाला कार्यभार। शपथ लेने के लिए एक दिन बाद केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तरों में जाकर पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने से पहले पीएम मोदी ने दफ्तर में मौजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। पुष्प अर्पित कर उन्होंने काम की शुरुआत की। अपने कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहला फैसला देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के बच्चों के हित में लिया है। उन्होंने नेशनल डिफेंस फंड के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। उन्होंने इस अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना से पुलिस को भी जोड़ दिया गया है। आतंकी या नक्सली हमले में शहीद होने वाले राज्य पुलिस अधिकारियों के बच्चों को इस दायरे में लाया गया के तहत उन्होंने बच्चों को साल में 500 रुपए दिए जाएंगे। ओबीसी का पीएम मोदी पर तंज, कहा मुसलमान देश के किराएदार नहीं हिस्सेदार है। ऑल इंडिया मजलिस इंतजारुल मुस्लिमीन के मुखिया और हैदराबाद से चौथी बार सांसद चुने गए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 300 सीट जीतने के बावजूद उनकी मनमानी नहीं चल सकती। हम यहाँ बराबर के शहरी है, किराएदार नहीं हिस्सेदार रहेंगे। हैदराबाद में मक्का मस्जिद पर लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर कोई यह समझ नहीं रहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम 300 सीट जीत के हिंदुस्तान पर मनमानी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को मिली ऑयल गैस और स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से ऑयल गैस की जिम्मेदारी मिली है। धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन मंत्रियों में शामिल रहे हैं जिनके मंत्रालय के कामकाज को सरकार ने अपनी उपलब्धियों में गिना था। पेट्रोलियम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना को कामयाब बनाया। उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। बीजेपी इस योजना की कामयाबी को जनता के बीच में जाकर चुनाव में उतरी। मोदी सरकार की वापसी में इस योजना की अहम भूमिका रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा का प्रभारी रहते हुए पार्टी को राज्य में बढ़त दिलाई। ओडिशा में पार्टी के विस्तार में मदद की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का कद बढ़ा है। तो देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।